Welcome to Kitchen and Dora. Happy Diwali to all of you. तो आज हम दिवाली स्पेशल मिठाई बनाएंगे. That is कद्दू का हलवा. जितना नाम सुनने में यूनिक लग रहा है और बनाने में बहुत आसान तरीके से बताऊँगी जो आपको बहुत ही आसान लगेगा. सो आइए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स एक बार एक नज़र डाल लेते हैं. इसके क्या क्या लगेंगे इंग्रेडिएंट्स. सो इसके लिए सबसे पहले मैंने कद्दू लिया. मेन इंग्रेडिएंट है कद्दू, तो उसके बिना कैसे बनेगा कद्दू का हलवा. कद्दू जो है वो मेरे को लेना है एकदम खींचा हुआ, बिना बीज का उतना अच्छा. और कद्दू का ज़्यादा पहले मत कीजिएगा वरना कद्दू काला पड़ जाएगा. इन मीन टाइम मैंने एक थिक बॉटम वेसल वाली कढ़ाई ली है जिसमें घी डाली है. 2 टेबल 4 टीस्पून. जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो उसमें इलायची डाल देंगे. भाई मीठा बने और उसमें इलायची का फ्लेवर नहीं आया तो मज़ा नहीं आता. चाहे इलायची का पाउडर डालिए, चाहे क्रश इलायची डालिए, आपको जो पसंद हो डालिए. देन आई ऐड दिस कद्दू. कद्दू को बोला ज़्यादा नहीं रखना है, उसका रंग चेंज हो जाएगा, इसलिए हम उसको तुरंत फ्राई करेंगे. उसको अच्छे से फ्राई करना ताकि जो उसका कच्चापन है या कद्दू का स्मेल है वो निकल जाए और उसमें घी की स्मेल आ जाए. तो उसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए ताकि कहीं से भी वो रंग चेंज नहीं हो. और देखिए करते करते उसका पानी सूख जाएगा और कद्दू गल के छोटा थोड़ा सा हो जाएगा. देखिए हमारा कद्दू काफ़ी हद तक फ्राई हो गया, इसमें स्मेल भी नहीं आ रही कद्दू की. सो अब इसमें हम फुल क्रीम मिल्क, मिल्क ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डालेंगे ताकि उसमें अच्छे से वो और कद्दू गल जाए. और थोड़ा सा ग्रीन कलर मैंने ऐड किया, दैट इज़ ऑप्शनल. अगर आप नहीं चाहते मत डालिए, पर कलर डालिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा. कद्दू का हलवा है ग्रीन ग्रीन कलर का, अच्छा लगेगा. अगर आप कोई और कलर चाहते हैं एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जस्ट गो अहेड. अब मैंने 1 कप फ्रेश क्रीम डाला. भाई मीठा हो उसमें रिच टेक्सचर के लिए, मलाई ना पड़े, घी ना पड़े तो मज़ा कहाँ है. तो मैंने थोड़ा सा मलाई डाल दिया 1 कप. अब मलाई डाल के भी इसको भून लेंगे, अच्छे से इसको सुखा लेंगे. देखिए मलाई पूरा उसमें अब्जर्व हो गया, अच्छे से सूख गया हमारा हलवा. कितना अच्छा टेक्सचर लग रहा, देखिए वाकई मज़ा आ रहा है देख के इसको हलवा को. अब हम इसमें ऐड करेंगे खोआ. मैंने होममेड खोआ डाला है. आपको इसका मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. खोआ से इसका अच्छा टेक्सचर आ जाएगा, बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी भी देगा इसको हलवे को. और इसको कंटिन्यूसली स्टर कर ले. देखिए एकदम गाढ़ा थिक हमारा ऑलमोस्ट हो गया. थोड़ा सा मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है और अच्छे फ्लेवर के लिए. उसको भी डाल के अच्छे से मिला लिया मैंने. मैंने चीनी बहुत थोड़ी डाली है क्योंकि उसमें कंडेंस मिल्क डाला. खोआ भी मैं थोड़ा सा मीठा था क्योंकि वो मीठा, और तो इसलिए मैंने इसमें कम चीनी डाली है. आपको अपने मीठे अनुसार अपना चीनी डाल सकते हैं. सो चीनी डाल के भून लीजिए क्योंकि चीनी थोड़ा पानी छोड़ता है, तो थोड़ा एकदम ड्राई हो जब तक ये जो हमारा कढ़ाई है घी ना छोड़ने लगे तब तक भूनना है हमें. थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, उसमें क्रंची फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा लगता है. मैं कोई भी अगर मीठा बनाती हूँ उसमें ड्राई फ्रूट्स अंदर भी डालती हूँ, ऊपर से गार्निश भी करती हूँ. अगर आपको नहीं पसंद है उसका फ्लेवर तो सिर्फ ऊपर गार्निश कीजिए, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. सो देखिए गाइस हमारा घी छोड़ने लगा है हमारा कढ़ाई. सो हमारा हलवा एकदम रेडी हो गया है. सो अब इसको मैंने सर्विंग डिश में निकाल दिया है. कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज. थैंक यू वेरी मच.